जबलपुर झील रेवासा झील देखिए कितनी सारी मछलियां हैं। यहाँ पर आपको बुद्धा टेंपल भी दिखेगा, गुरुद्वारा भी है। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में है, रिवालसर जगह है, वहाँ पर आपको बुद्धा टेंपल भी है। और ये आपकी रिवालसर झील है जिसको मैं दिखा रही हूँ इस टाइम पे। आपको बुद्ध टेंपल भी दिखाऊंगी और गुरुद्वारा के भी आपको दर्शन करवाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत है, आप भी यहाँ आकर इन तीनों जगहों को आप इकट्ठा देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश में। सामने ऊपर बुद्धा टेंपल है, उसको नियर बाय भी दिखाऊंगी मैं आपको। लास्ट तक वीडियो को देखना। ये क्या वो थोड़ी ये है बौद्ध टेंपल जिसके लिए ये रास्ता जा रहा है यहाँ से। अब मैं आपको ऊपर तक लेके जाऊंगी। यहाँ से रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम झील से आए थे, वहां से सामने गुरुद्वारे से आते हुए हम यहाँ पर आए हैं। काफी लॉन्ग रास्ता है। लोगों के घर भी हैं, लोगों ने डंगरे पाल रखे हैं। ये रास्ता है, यहाँ से देखिए ऊपर जाने के लिए सुंदर नजारा है, व्यू। और मौसम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रखा है। आप देखोगे तो आपका भी आने का बहुत मन करेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हमारा बौद्ध टेंपल एंट्रेंस आने वाला है। ये देखिए बौद्ध टेंपल, बुद्धा की प्रतिमा है सबसे ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं नीचे से दिखाती हुई आ रही हूँ। ये देखिए नियर बाय, ये है बौद्ध टेंपल जो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हुई आ रही हूँ। काफी नीचे से और जो मैं नीचे से आपको प्रतिमा दिखा रही थी बौद्ध जी की, ये पर काफी बड़ी है। और इसके जो द्वार है बंद है कोरोना की वजह से, अभी लॉकडाउन के चक्कर में लॉक खुले नहीं है। बाकी सारे मंदिर ओपन हो चुके हैं, पर इनके जो बौद्धियों के हैं इन्होंने अभी अपने द्वार नहीं खोले हैं। तो हम बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, पूरा दिखेगा। जहाँ से हम आए थे वो सामने गुरुद्वारा है और ये है आपकी रिवालपुर साहब झील। ये गुरुद्वारा है और ये झील है। ये भी मैंने आपको थोड़ा देर वीडियो में शो किया था, झील का भी और गुरुद्वारे का भी। तो आप अगर आना चाहो यहाँ के लिए बाय दिल्ली आना चाहो तो दिल्ली टू बैजनाथ, या डायरेक्ट आप मंडी से आप चेंज कर सकते हो रिवालसर के लिए, तो आप डायरेक्ट आ सकते हो यहाँ से। बहुत ही एक साथ आपको तीन तीन जगह देखने मिलेंगी। बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और हमारे साथ काफी छोटे बच्चे भी आ रखे हैं। बहुत ही छोटे बच्चे ऊपर ऊंचाई चढ़ के आए हैं वहां से नीचे से, तो प्लीज बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है, पर जैसे ही ये ऊपर आए हैं बच्चे, इनको बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। इतनी आप कहाँ से आए इस टाइम पे? फरीदाबाद हरियाणा से। फरीदाबाद हरियाणा से, तो फरीदाबाद हरियाणा से आते हो तो काफी दिक्कत का सामना किया गया होगा आपने।
और यहाँ आके मौसम को देख के, दिल्ली की गर्मी के अकॉर्डिंग यहाँ का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। थोड़ा मीठी मीठी सर्दी है। मीठी मीठी सर्दी के साथ सभी आनंद ले रहे हैं यहाँ पर पहाड़ों की वादियों में।